अब बात झारखंड की करते हैं, जहां सियासी संकट लगातार बरकरार है। हेमंत सोरेन को खरीद फरोख्त का डर है, इसलिए उन्होंने यूपीए के विधायकों को रायपुर के एक रिजॉर्ट में शिफ्ट करवा दिया है। और इस बीच हेमंत सोरेन ने रायपुर जाने के लिए प्राइवेट चार्टर प्लेन का इंतजाम कर लिया है। एक महीने के लिए प्राइवेट प्लेन हायर किया गया, जिसमें 2,06,50,000 रुपए खर्च होंगे। ये खर्च जनता की जेब से भरा जाएगा। दो करोड़ 6,50,000 रुपए। हेमंत सोरेन को सरकार बचाने के लिए इतनी रकम खर्च करनी पड़ रही है। प्राइवेट चार्टर्ड प्लेन के लिए झारखंड सरकार की कैबिनेट मीटिंग में फैसला लिया गया है कि सरकार अगले एक महीने तक वीआईपी लोगों को राज्य से बाहर ले जाने और वहां से वापस लाने के लिए प्राइवेट जेट किराए पर लेगी। यानी अब अगले एक महीने तक हेमंत सरकार के पास सरकारी पैसे से प्राइवेट प्लेन रहेगा। वो अपने विधायकों को, मंत्रियों को टूट फूट से बचाने के लिए जहां ले जाना चाहेंगे वहां ले जाएंगे, जब जिसको वापस बुलाना चाहेंगे बुलाएंगे, वो भी सरकारी खर्च पर। इससे सरकारी खजाने पर 2,06,50,000 रुपए का बोझ पड़ेगा। राज्य के वीआईपीज वीवीआईपीज की राज्य से बाहर की सरकारी यात्रा हेतु फिक्स्ड विंग जेट चार्टर विमान की सेवा एक माह के लिए मनोनयन के आधार पर प्राप्त करने की स्वीकृति का प्रस्ताव था, जिस पर स्वीकृति प्रदान की गई। इसमें कॉस्ट आएगा जो प्राप्त प्रस्ताव, इसमें 2,06,50,000 रुपए। ये 31/8/2022 की तिथि से एक माह तक के लिए। विधायकों को टूट फूट से बचाने के लिए हेमंत सोरेन ने अपने कुछ विधायकों को रायपुर भेज दिया है। कुछ कैबिनेट मंत्री रायपुर और रांची के बीच अप डाउन कर रहे हैं, इसलिए हेमंत सोरेन ने सरकारी खर्चे पर विमान का इंतजाम करवा दिया है, जिसका बोझ जनता को झेलना पड़ेगा। बीजेपी के एमपी निशिकांत दुबे ने कहा है कि हेमंत सरकार रांची में भी पैसे फूंक रही है और रायपुर में रिजॉर्ट में रखे गए विधायकों पर भी पैसे लुटाए जा रहे हैं। आज ही अखबार में पढ़ा कि प्रत्येक दिन 35 से 40 लाख रुपए उस होटल में बिल पे कर रहा है। कोई ना कोई बिल तो पे कर रहा है ना। झारखंड सरकार बिल पे कर रही हो, छत्तीसगढ़ सरकार पे कर रही हो, या कोई दलाल बिल पे कर रहा हो, कोई तो बिल पे कर रहा है। फाइनली मिड टर्म पोल के लिए खुद मुख्यमंत्री को जाना पड़ेगा, और मिड टर्म पोल जब भी होगा भारतीय जनता पार्टी जो है अपने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। रायपुर से रांची तक प्राइवेट जेट के खर्च का अनुमान तो लग गया, लेकिन रायपुर के रिजॉर्ट में रह रहे विधायकों पर कितना खर्च हो रहा है इसका अंदाजा नहीं लग सका। झारखंड कैबिनेट की बैठक के बाद रायपुर में विधायकों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान झारखंड के विधायकों ने कहा कि वो अपने खर्चे पर रायपुर के रिजॉर्ट में रह रहे हैं। हम लोग यहाँ अपने प्राइवेसी में अपने कोबत पे रहने वाले विधायक हैं। हमें किसी तरह के पैसे खर्च कराने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज ये परिस्थिति क्यों आई ये भाजपा से अगर आप लोग सवाल करके बता पाएंगे तो हमें बहुत खुशी होगी। पूरे देश में लगातार यह प्रयास हो रहा है कि जो बहुमत झारखंड में 50 से ऊपर की संख्या में हम सारे विधायक हैं, उसके बावजूद हमें अस्थिर करने का जो प्रयास हो रहा है ये बहुत शर्मनाक है। हम अपने सक्षम हैं, एमएलए हैं हम लोग, तो निश्चित रूप से अपने खर्चे पर सब यहाँ पर सुरक्षित होने के लिए, सुरक्षित रहने के लिए, एकजुटता के लिए हम लोग यहाँ पर पड़े हुए हैं। झारखंड में जारी सियासी संकट के बीच कल हेमंत सोरेन कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें 5 सितंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाने का फैसला किया गया। माना जा रहा है कि इसके जरिए हेमंत सोरेन केजरीवाल की तरह खुद ही विधानसभा में विश्वास मत पारित कर सकते हैं। इस कैबिनेट मीटिंग में पुरानी पेंशन योजना बहाल कर दी गई, राज्य के 89 मॉडल स्कूल में खाली सीट पर नामांकन की स्वीकृति दे दी गई, पैरामेडिकल कर्मियों की नियुक्ति जैसे फैसले भी लिए गए। ये कुकृत्य कर रही है भाजपा, लोकतंत्र की हत्या करना चाहती है। इसके विरोध में हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता को आवाज अपनी बताएंगे, अपना दर्द बताएंगे। हम फटाफट जनता के लिए डिसीजन ले रहे हैं, रायपुर जा रहे हैं, इसलिए डरे हुए हैं। रायपुर जाएंगे सर, पार्टी का जो आदेश निर्देश होगा उसका अक्षरशः पालन होगा। समर्थन पूरा है सर, जो आंकड़े हैं, जो आंकड़ों को लेकर बहुत, अरे अब 50 है जी, और क्या चाहिए, हाफ सेंचुरी पार है। कल शाम झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के नेताओं का एक डेलीगेशन राज्यपाल रमेश बैस से मिला। डेलीगेशन ने राज्यपाल रमेश बैस से गुजारिश की कि वो हेमंत सोरेन के सदस्यता के बारे में इलेक्शन कमीशन की सिफारिश पर जल्द फैसला लें। इंडिया टीवी हर वक्त
हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।